हवा, जल, धूप जिस प्रकार बिना भेदभाव के हर इंसान तक पहुंचता है, ये प्राकृतिक की खूबसूरती है जिसे हम भगवान मानते हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के तिरंगे के छाए में हर व्यक्ति एक है, एकता का रूप है और सबको इस पर गौरवान्वित महसूस भी करना चाहिए। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सब उत्साहित हैं और बहुत ही ऊर्जावान पल है, तो इस पे आगे की बातें मैं बताना चाहता हूँ, तो आप सुनिए। ये हमारे हिस्से की है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसे सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आप इसके बारे में सोच पाइएगा, इन बातों को समझ पाइएगा। मैं इस देश का हूँ, अभी 9 वर्ष का हूँ, राजस्थान से हूँ, अमृत महोत्सव के रंगों में भी रंगा हूँ। बादल जब बूंद बनकर गिरते हैं ये सबको मिलते हैं। हवा जो मेरे सांसों में बहता है वो औरों के सांसों में भी बहता है। मैं उस विद्या के मंदिर में अपने हिस्से के जल पीने को, मटके को छूता हूँ, फिर मुझे दंडित करते हैं। मैं इस देश का हूँ, अब दुनिया में नहीं हूँ, मेरी माँ रोए जा रही है, कोई उन्हें चुप तो कराए, आओ अमृत महाउत्सव मनाए।